परिवार के माध्यम से भी वो साहित्य के माध्यम से भी हमारे गायकन से भी केवो है कि रोइयो ना आशुगा डाइयो। हमारे दादा चले गए, हम तुम भी वह नहीं है, भगवान का स्वयं बिना हमें भी जाने, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है। कारण तुम्हें पता है, हाँ सब किराए दिए हैं, बोले तो ला दे कैसे सब जन से केवो होता राधे। अरे रो सतयुग में राजा उत्तरायण पाद की दो धर्म पत्नियां थी, एक के ध्रुव राधे, एक के उत्तम कुमार बिल्कुल राधे। जब ध्रुव माँ की गोदी में बैठ गए, हाथ पकड़ के नीचे उतारा गए, दो भी दवाई भी खराब हो भगवान के पास ध्रुव के लाने, तो ध्रुव का गला नहीं भाई कि हमारे पिता हमारी नीत नहीं, हमारी मताई, ये हम मताई मानते, हम पिता की गोद में बैठे भली हैं, लेकिन माता मानते वही माता ने हमें आज नीचे उतार दो, तो हमारा कोई नहीं है बिल्कुल तो का थी। अपनी माँ के लाने समझा रहे कि माता हम वनवास के लाने जा रहे हैं, हमारे भगवान से ध्यान है, लेकिन आप चिंता नहीं करिए। हाय राधे होने होने जो कर्मन में लेख लिखो लगन भैया बोल होने लाने, हम तुम जब तक कर ले आज तुम हमारे लेगा हो, समझ में सुभा के तुम्हें जी को तो वही जाने ठीक है, जय हो राता की देन लेख है यही से गेब हो तुम से ध्रुव कहते हैं अपनी माँ से क्या अरे हो अब हम बन खन जाए, हम तो सहन नहीं हो सकता है लेकिन बात देखे त्रेता में जय
जब लक्ष्मण जी वन को जाने लगे भगवान श्री राम के साथ, उर्मिला आई आयत लेके गए अपने पति जो की आरत कर लो, लेकिन लक्ष्मण जी चले गए भगवान श्री राम के पास। और वो खड़ी रही अपनी स्वामी की प्रतीक्षा में, कब तक? जब तक वो आए नहीं। तो लेकिन समझा गए लक्ष्मण जी क्या कहे गए, सुने आप। हम छोड़ रहे हैं लेकिन आएंगे, वादा है भैया को हम साथ लेकिन कह गए अरे से क्या भैया बोला सोने के तो हमारी खबाई भूल जाओ। हाँ लेकिन खबर कहे रही जो कहो आओ गोकर हो चाहे मथुरा आओ, गुप्ता में नहीं बन लेंगे खबर नहीं भूलिए, गुप्ता में नहीं बनवाओ चेने से लो इसे तुम्हें पैसा ही नहीं दिया हमके तीसरी बार सुने दुआ पर में। जब भगवान कन्हैया जाने लगे तो राधा जी रथ के आगे लेट गई, तो भगवान कन्हैया ने वरदान दिया, वचन दिया कि राधे तू चिंता ना कर, मैं आऊंगा, आऊं तो गा लेकिन जिस दिन तेरे को दर्शन भी देंगे। बिल्कुल, तो भगवान कन्हैया कहते हैं क्यों कहने को, क्या बात है, हमें लगा था हमारे राहू के गाना समझ में आ गो आ गो ना। हाँ रोजियो ना सुबह डाई जो ये भी हमारे कई वो फोन लगा ले कहा बच्चे बजे को कभी आओ ना कभी हम कहा ना दाऊ अगर हम स्कूल के बजे हम कार्यक्रम के बजे लेकर हम आए, लेकिन जब आए सो ऐसे आए कि फिर फैल के घर दिए डू हम हीरा बोल में कार्यक्रम हटो आ गए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, वचन दिया राधा को पता नहीं लगना चाहिए लेकिन हम तुम्हारे पास आएंगे हर दिन राधे। मेरा सुनो राधा हम खड़े नहीं भूलें लेकिन एक बार सुनना काए होने होने लेकिन इंतजार करने आए समय को कह रहे बिल्कुल दसवीं तो रख नहीं आए धीरज लक्ष्मण
रब भैया इनको नाम नहीं है हमें का नाम जनऊ का नाम रवि स्टूडियो कीरतपुर कीरतपुरा क्या बात भैया अच्छा लाइव स्टूडियो ईशन भैया कह नहीं आदेश राज अच्छा क्या बात देसराज की भैया हो आप चलो भैया तीन कैमरे की रिकॉर्डिंग से और हमारे बलराम भैया के कैमरा से भी रिकॉर्ड हो एक चीन है हमारे भी हल्को कुछ लव कुश स्टूडियो राज है हाँ देखो ये आप ऊपर भी अगर गाना मिल जाए तो सब्सक्राइब कर लेंगे यही से अंतिम बात कलयुग के अत्याचार से मीडिया वालों ने भी मार साक्षित किया है राधे ये वहां की विशेषता भी अंश आ गया है तो भगवान का अवतार होना है इस कलयुग में तो भगवान ने भी कहा था बिल्कुल आप चिंता नहीं करना हृदय में धीर रखना हम कलयुग में अवतार लेंगे कलंक की अवतार नहीं कलंक अवतार जय हो होना है राधे अब्बल देश मुरादाबाद उनका अवतार होना है तो जो भी 9 वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का अवतार होना है इस कलयुग में तो भगवान कहते हैं राधे काले से अरे काले से भैया के